नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सबका स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल TS टेक्निकल टिप्स पर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, एम डिस्क का जो लिंक शॉर्टनर है, एम डिस्क शॉर्टनर लिंक है, उसके अंदर आप रजिस्टर कैसे करेंगे, कैसे उसके अंदर अकाउंट बनाएंगे, आज की इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसके अंदर अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर मैंने उस लिंक को यहाँ पर व्हाट्सएप पर शेयर कर रखा है, मैं यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा mdiskshortner.link करके। आपको सिंपली से उस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद में आप अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक कर देना होगा और गूगल क्रोम ब्राउजर पर आप रिडायरेक्ट हो जाओगे। उसके बाद में आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर रजिस्टर करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली से थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सिंपली से साइन अप वाले बटन पर क्लिक कर देना होगा। आप साइन अप वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले अपना यूजर नेम दे देना होगा, कोई सा भी यूजर नेम देख सकते हो आप, मेरे यहाँ पे यूजर नेम देख सकते हो, इस तरह से यूजर नेम बना लेना होगा आपको अपना। यूजर नेम देने के बाद में यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी दे देना होगा। ईमेल आईडी देने के बाद में आपको अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा और री इंटर पासवर्ड पर आपको फिर से री इंटर पासवर्ड कर लेना होगा। सेम पासवर्ड डालना है आपको दोनों में। पासवर्ड डालने के बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आई एग्री टू द टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद में आपको सिंपली से रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आप इसके अंदर रजिस्टर कर लेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। एम डिस्क शॉर्टनर लिंक पर आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना होगा, अपनी ईमेल आईडी या तो फिर या अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप इसके अंदर लॉगिन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद में रिमेंबर भी पे क्लिक करूँगा और सिंपली से लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करूँगा। एम डिस्क शॉर्टनर के अंदर इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा और इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रोफाइल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका बैलेंस शो हो जाएगा। और आप इसके अंदर URL शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अपना कोई सा भी लिंक URL आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। पेस्ट करने के बाद में आपको सिंपली शॉर्टन वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप शॉर्टन वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका जो URL है शॉर्ट होकर कॉपी यहाँ पर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर, और कॉपी वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। अब आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जितने भी व्यूज़ आएंगे उन्हीं व्यूज़ के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा इसके अंदर। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए एक ऐसी सबसे बेस्ट लिंक शॉर्टनर लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप घर बैठे आराम से डेली 1000 से 2000 रुपये की इनकम कर सकते हो। इससे भी अच्छी लिंक शॉर्टनर है, मैं आपको बता रहा हूँ। उस लिंक शॉर्टनर का नाम है Serez.in लिंक शॉर्टनर। जी हाँ दोस्तों, Serez.in लिंक शॉर्टनर ये काफ़ी अच्छी लिंक शॉर्टनर है। इसके अंदर जो CPM रेट है वो 500 रुपये का देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपये का इसके अंदर CPM रेट देखने को मिलेगा। मतलब आप कोई से भी एक लिंक शॉर्ट करेंगे, उस लिंक के थ्रू अगर आप 1000 क्लिक्स लेकर तो आपको 500 रुपये की अर्निंग हो जाएगी। मतलब सारे जितने भी आप लिंक शॉर्ट करेंगे उन सब लिंक्स के, मतलब अगर आप डेली के 2000 क्लिक्स भी लेकर आते हो इसके अंदर, तो आपको 1000 रुपये की अर्निंग आराम से हो जाएगी। और इसके अंदर आपको विड्रॉ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा, वो भी डेली के डेली। मतलब आप दिन भर जितनी भी इसके अंदर अर्निंग करोगे वो सारी अर्निंग रात को 12 बजे आपका अकाउंट में आ जाएगी। मतलब रात को 12 बजे अप्रूव हो जाएगी और सुबह 12 बजे तक आपके अकाउंट में आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है Serez.in करके, वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अपना UPI आईडी डाल देना होगा। UPI डालते समय आपको क्या ध्यान में रखना होगा, UPI आईडी आप एकदम करेक्ट डालें। आप चाहो तो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और या चाहो तो आप भीम ऐप की भी UPI आईडी डाल सकते हो। UPI आईडी डालने के बाद में आपको सिंपली से रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप उस रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपका अकाउंट बन जाएगा Serez.in के अंदर। इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा अकाउंट बनने के बाद में। यहाँ पर मेरे 2 डेज क्लिक्स 4 बता रहे तो 2 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। मतलब जितने भी क्लिक्स आएंगे उसकी आधी अर्निंग इसके अंदर हो जाएगी और आपको इसके अंदर विड्रॉ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको ऑटोमेटिक आपका बैलेंस आपके अकाउंट में आ जाएगा, वो भी डेली डेली पेमेंट होता है इसके अंदर। और जो इसके अंदर मिनिमम विड्रॉ है वो $5 का है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर वॉलेट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने वॉलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम पे आउट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 5 रुपये की। अगर आप दिन भर 5 रुपये की इसके अंदर अर्निंग कर लोगे तो आपको 5 रुपये आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। 5 से अधिक करेंगे 10 रुपये तो भी आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर 5 से कम 4 रुपये की अर्निंग होगी तो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। और वॉलेट पर डे हर दिन वॉलेट इसका रिफ्रेश होता रहता है। मतलब 4 रुपये की अर्निंग होगी तो अगले दिन आपकी 0 रुपये हो जाएगी। मतलब 5 रुपये की मिनिमम 5 रुपये की अर्निंग आपको इसके अंदर करनी है और करने के बाद में 5 रुपये भी आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक भेज दिया जाएगा, आपको विड्रॉ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
आप चाहो तो इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या डिटेल इसके अंदर फिल करना रहेगा आपको। इस तरह से आप इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हो और अच्छी खासी अर्निंग आप इन दोनों लिंक शॉर्टनर के अंदर कर सकते हो। आप चाहो तो एम डिस्क शॉर्टनर के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो और चाहो तो Serez.in लिंक शॉर्टनर के अंदर भी रजिस्टर कर सकते हो। दोनों ही काफ़ी अच्छी लिंक शॉर्टनर है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको किसके अंदर रजिस्टर करना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी अर्निंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।